क्या आपको पता है कि अगर डोगो अर्जेंटिनो की फाइट हो जाए टाइबेटन मैस्टिफ से तो क्या होगा? ये दोनों ही डॉग सबसे ज़्यादा अग्रेसिव डॉग ब्रीड में आते हैं, मतलब पिटबुल के बाद अगर जो दो डॉग होते जो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव होते वो ये दो डॉग ही है। तो अगर ये दोनों का डॉग का फाइट अगर आपस में हो जाए तो कौन सा डॉग जीतेगा? इस वीडियो मेरे पास कुछ पॉइंट है जो कि फाइट में इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपको वीडियो की एंड में एक ओवरऑल रिजल्ट देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, आप देख रहे डॉग्स बायोग्राफी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। टाइबेटन मैस्टिफ वर्सेस डोगो अर्जेंटिनो, दोनों ही अग्रेसिव डॉग ब्रीड, और वो भी ऐसे वैसे अग्रेसिव नहीं, सबसे ज़्यादा अग्रेसिव डॉग ब्रीड। तो अगर दोनों डॉग की फाइट होगी तो इसमें से कौन सा डॉग जीतेगा? तो चलते अपने पॉइंट में। तो पॉइंट नंबर 1, बाइट फोर्स। तो देखा जाए तो टाइबेटन मैस्टिफ का बाइट फोर्स है 556 पाउंड, मतलब 556 पाउंड। अब बात करते हैं डोगो अर्जेंटिनो के बाइट फोर्स की, तो डोगो अर्जेंटिनो का बाइट फोर्स है 500 पाउंड। इस पॉइंट में टाइबेटन मैस्टिफ जीतता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट है हमारा अग्रेशन का लेवल। तो अग्रेशन लेवल देखा जाए तो टाइबेटन मैस्टिफ का अग्रेशन लेवल है हाई, डोगो अर्जेंटिनो का भी अग्रेशन लेवल हाई है, तो याले पॉइंट में होता है टाई। अब बात करते हैं टेक्निक, मतलब अपने से सामने वाले डॉग को मार के गिराने की टेक्निक। तो टेक्निक में देखा जाए तो टाइबेटन मैस्टिफ का टेक्निक लेवल, अगर वो दो अगर डॉग 2 साल के नीचे है, मतलब 2 साल से कम है, तो उसका टेक्निक लेवल है लो। अब बात करते हैं 2 साल के अगर डॉग अगर ऊपर है तो उसका टेक्निक लेवल है मीडियम। अब बात करते हैं डोगो अर्जेंटिनो की, तो डोगो अर्जेंटिनो का टेक्निक लेवल मीडियम है, तो याले पॉइंट में भी टाई होता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट है हमारा हाइट। एक लड़ाई में हाइट का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हाइट में देखा जाए तो हमारा टाइबेटन मैस्टिफ का हाइट है 66 सेंटीमीटर से 76 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं डोगो अर्जेंटिनो की हाइट की, तो डोगो अर्जेंटिनो का हाइट है 60 सेंटीमीटर से 68 सेंटीमीटर, मतलब याले पॉइंट में भी टाइबेटन मैस्टिफ जीतता है। अब बात करते हैं वेट की, तो वेट है टाइबेटन मैस्टिफ का 45 किलो से 73 किलो, और डोगो अर्जेंटिनो का वेट है 40 किलो से 45 किलो, मतलब वेट से देखा जाए तो टाइबेटन मैस्टिफ याले पॉइंट में भी जीतता है। अब बात करते हैं ओवरऑल रिजल्ट की। रिजल्ट से पहले अगर आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो। लाइक करने के बाद कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट कौन से दो डॉग का फाइट देखना है, जैसे डोगो अर्जेंटिनो वर्सेस डोबरमैन या फिर टाइबेटन मैस्टिफ वर्सेस रॉटवाइलर, ऐसे करके कौन से दो डॉग का फाइट देखना है। और हाँ, याद से ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है? और ये बिल्कुल फ्री है, मतलब फ्री है। तो बात करते हैं अब रिजल्ट की, तो रिजल्ट देखा जाए तो टाइबेटन मैस्टिफ का बाइट फोर्स ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, और डोगो अर्जेंटिनो का मतलब कुछ भी ज़्यादा नहीं है। तो इस वीडियो का ओवरऑल विनर है टाइबेटन मैस्टिफ। अब बात करते हैं रेशियो की, तो रेशियो असल में ये कि अगर टाइबेटन मैस्टिफ अगर 2 साल से कम हुआ, ठीक है, मतलब 2 साल से कम हुआ, तो रेशियो है 60% जीतने के चांसेस है टाइबेटन मैस्टिफ के और 40% जीतने के चांसेस है डोगो अर्जेंटिनो के। और अगर टाइबेटन मैस्टिफ 2 साल से ज़्यादा हुआ तो कम से कम टाइबेटन मैस्टिफ के जीतने के चांसेस है 70% और डोगो अर्जेंटिनो के जीतने के चांसेस है 30%। मैं ये 2 साल वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइबेटन मैस्टिफ को मैच्योर होने में 2 साल लगता है, और जैसे वो 2 साल के हो जाते हैं उनका टेक्निक लेवल लो से मीडियम हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। शेयर करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यहाँ से दबाना, अपना और अपने डॉग का जो अगर आप पाले हो, और अगर आपके पास नहीं है तो अपने स्ट्रीट डॉग का ध्यान रखना। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय।